नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सॉलिड वर्क्स में एक एक्वेस्टिक गिटार का डिजाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं और सीखते हैं इसको अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्केच लेंगे, फ्रंट प्लेन लेना है अपने को, सेंटर लाइन, फ्रंट लाइन, वर्टिकल, ठीक। फिर सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल, इनफिनाइट लेंथ, ठीक। अच्छा, अब अपने को कुछ लाइन ड्रॉ करना है पहले इस पे। उसके लिए सिंपल सा लाइन पे गया, लाइन कमांड का यूज करते हुए तीन चार लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, और उसको फिर कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसको डिफाइन करके फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। ये सारा किया, इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, फुल कंस्ट्रक्शन, बराबर। ओके कर दे यहाँ से। अब इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन, ये पॉइंट से ये पॉइंट 77, ठीक, ये पॉइंट से ये पॉइंट 33, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट 110.5, ठीक। फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट 246, ये अपना वो हो गया। अभी इसको भी डिफाइन करना है, तो ये होगा अपना यहाँ से दिस पॉइंट 190, कितना होगा 190, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट 188, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको ये वाला, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट 162, ठीक हो गया अपना। उसके बाद हो गया आपको, हाँ, अब अपने को क्या करना है, एक थ्री पॉइंट आर्क लेना है। थ्री पॉइंट आर्क लेने के बाद सबसे पहले अपन यहां से यहाँ, ठीक, कर दिया। उसके बाद अपने को इसको इसको डिफाइन करना है, ये हो गया 380, ठीक है। फिर इस पॉइंट से लेके इस ये पॉइंट कितना 500 दे दिया, और इसका जो डायमेंशन रेडियस होगा वो होगा 436, ठीक है। उसके बाद अब जो क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे 380 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब अपने को फिर से एक थ्री पॉइंट आर्क लेना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसके हिसाब से वो करेंगे। फिर इसका जो रेडियस होगा वो अपना होगा 146, 146, ठीक है। फिर उसके बाद एक आर्क लेना है दिस पॉइंट से दिस पॉइंट, फिर एक थ्री पॉइंट आर्क लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर इसका जो रेडियस होगा वो होगा अपना 95, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां से लेके और अपने को इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक एक और वो रेडियस लेना है, मतलब आर्क लेना है, सॉरी, थ्री पॉइंट आर्क लिया दिस पॉइंट टू इस पॉइंट तक, इसके मिड पॉइंट तक एक लिया, और इसका वो होगा आपको 140, ठीक है। तो ये हुआ अपना। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसको और इसको इस साइड क्या करना है, मिरर करना है पहले। तो मिरर कमांड में जाना है अपने को, मिरर एंटिटीज में जाएंगे, इसको और इसको, बरोबर। करने के बाद मिरर अबाउट किसके, इसके, सिंपल सा किया। मिरर करने के बाद आप देखोगे ये जो लाइन है अपना ना, ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करके इसको जीरो कर देंगे, तो ये हो, क्या हो गया, मैच कर गया। उसके बाद अपने को क्या करना है, एक और थ्री पॉइंट आर्क लेंगे यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक, और इसका जो रेडियस है वो 165 होगा, वो अपन इसको डिफाइन कर देंगे 165, ठीक। फिर उसके बाद इसके और इसके बीच में एक और थ्री पॉइंट आर्क लेना है, फिर इसको क्या करेंगे अपन डिफाइन कर देंगे यहाँ से 57 रेडियस पे, 57। तो ये अपना एक प्रोफाइल बन के रेडी हो गया। अभी इसको क्या करना है अपने को, और अच्छे से डिफाइन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कहीं कहीं पे अपने को फ्लेट यूज करना है, तो उसके लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट, हंड्रेड, ठीक है, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट 100,
ठीक है, ओके हो गया दोनों। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा टिक मार्क करना है, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद फीचर में जाना है, बॉस एक्सट्रूडेड बॉस बेस, इसमें आके इसको सिंपल सा ब्लाइंड में आके 3 mm का ठीक दे देंगे। कितना? 3 mm, ओके हो गया। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इस प्लेन को, इस सरफेस को सिलेक्ट करना है यहाँ से, फिर स्केच में जाना है, नॉर्मल टू करना है, कन्वर्ट एंटिटी में जाना है, इसको 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 जो भी छोटे छोटे पार्ट है सबको सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे। फिर यहाँ से एक ऑफसेट लेना है अपने को इसके, कितना का? 3 का, और कब मार रिवर्स कर देना है इसको। रिवर्स हो गया, ओके। करने के बाद फिर सिंपल साइज को निकलना है यहाँ से, एक्सट्रूड बॉस बेस करना है अपने को, और इसको करेंगे 104, 104, ठीक हो गया। फिर इसके बाद अपने को क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इस पे जाके स्केच करना है। स्केच किया, नॉर्मल टू करेंगे, और अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फिर वही कन्वर्ट एंट्री जो, हाँ, इसको 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 फिर इसको, ठीक, फिर इसको करके ओके। करने के बाद फिर वही यहां से एग्जिट होना है, एग्जिट होने के बाद फीचर में जाना है, बस इसको फिर 3 mm का थिकनेस देंगे अपन, कितना? 3 mm, ठीक है, ओके। तो ये अपना उसका एक प्रोफाइल बन के रेडी हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो जहां जहां ये थोड़ा सा एज है ना, उस एज को फिनिश देना है। तो प्लेट में जाके अपने को क्या करना है, सिंपल सा इस पे जाना है, इसको बढ़ा के बराबर, फिर उसके बाद इसको, फिर यहाँ पे होगा इसको, ठीक है, ओके। तो ये जितना भी एजेस था वो सारा फिनिश लाइन के अंदर में आप आ गए, आप देख सकते हो, है ना, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, फिर से इसी सरफेस को सेलेक्ट करना है, फेस को स्केच, अब अपने को फिर से एक कस्टम लाइन डालेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, एक सर्कल सेलेक्ट लेना है, सर्कल लेने के बाद, ठीक है, इसका डायमीटर होगा 100 बराबर, और इस पॉइंट से इसका बीच का डिस्टेंस होगा आपको 175, ठीक है। करने के बाद फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे अपन, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट, कट करके 3 mm कट कर देंगे, ठीक है। ये अपना गिटार कट गया यहाँ से, ठीक ना। फिर अपने को क्या करना है, इसे फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच करना है यहाँ से, नॉर्मल करेंगे। करने के बाद एक सेंटर वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, और यहाँ से दे दिया, इसको डिफाइन करेंगे, ये हो गया आपको 25, ये हो गया आपको 175, ठीक है। और इसके बाद इसका डायमेंशन हो गया यहाँ से यहाँ का, ये हो गया आपको 300 बरोबर, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपके मिड पॉइंट में आएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं, अपने एक सेंटर लाइन डालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। सेंटर लाइन डालने के बाद दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 175 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अच्छा, अभी अपने को क्या करना है, एक 3.8 लेके इसको थोड़ा सा, हाँ, उसका इसका डायमेंशन डाल देंगे अपन 25 बराबर, जो भी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से ट्रिम कर दो, ठीक ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इस साइड मिरर कर देंगे, ठीक बरोबर। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइन है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक ना।
अपना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा फिर एग्जिट करेंगे, इसके फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस में जाना है, और इसका थिकनेस दे देंगे हम कितना, 20 mm, 20 नहीं मतलब भाई 5 mm, ठीक है। 5 mm करने के बाद अपने को क्या करना है, फिर से इसमें फिलेट का यूज करना है, और इस पॉइंट को कितना, 10, 7, 7 पे फिलेट कर देना है अपने, ठीक। उसके बाद इस पॉइंट को 7 पे फिलेट कर देना है, ठीक ना। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसका हैंडल बनाना है। तो हैंडल बनाने के लिए फिर से इस फेस को सेलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन पहले अपने को ड्रॉ करना होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ना, इसको कन्वर्ट यूज करके हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन लेना है, और लाइन लेने के बाद यहाँ से करके थोड़ा सा इसको टिल्ट करके ऐसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसका डायमेंशन होगा आपको 650, ठीक। और ये यहाँ से इस पॉइंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा आपको 40 mm, ठीक। अच्छा, अब सेम लाइन अपने को इधर भी चाहिए, अब तो वो कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है, मिरर पे जाना है, इन्फिनिट लाइन, सॉरी मिरर अबाउट में जाके इसका कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओके हो गया। अब सिंपल सा इससे यहाँ से इसको करेंगे क्लोज, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा लाइन बचा उसको करेंगे ट्रिम। ट्रिम होने के बाद अपने को क्या करना है, एग्जिट करेंगे यहाँ से, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, ठीक है। 3 mm ऊपर हम डालेंगे इसमें, और जो बच गया डायरेक्शन 2 में उसमें हम कर देंगे इसको 20, ठीक, 20 mm, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद अपन करेंगे क्या, इसमें आप देखना गिटार में यहाँ पे ये टिल्ट होता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे, इसका डिजाइन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्केच में जाना है अपने को। फिर अब यहां से क्या करना है, एक लाइन लेना होगा पहले, ठीक। फिर उसके बाद हो गया आपको, फिर एक लाइन लेना होगा यहां से, ठीक। और इसका डायमेंशन होगा आपको 175, और इसका भी डायमेंशन होगा 175, ठीक। ये वाला और ये वाला 23 है, तो ये वाला भी कितना होगा अपना, 23, ठीक ना। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको करना है क्लोज, यहाँ से क्लोज होने के बाद फिर अपन एग्जिट करेंगे यहाँ से, ओ सॉरी, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको यहाँ से क्लोज किया, होने के बाद फिर सिंपल सा एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद भाई फिर से एक्सक्लूड बॉस बेस, ठीक है। कहाँ तक इसको करेंगे, इस सरफेस तक, ठीक ना। तो ये इस तरह से, तो अब हम सिंपल सा क्या करना है, अपने को इस फेस को सेलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल, ठीक। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से एक लाइन लेना है, लाइन लेने के बाद इधर और इसके रेफरेंस में एक लाइन, और यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग करना, पहले कन्वर्ट कन्वर्ट करना है इसको, लाइन में कन्वर्ट करना है, और इसको करना है 2 लाइन, बरोबर। फिर उसके बाद इधर भी आप लोग क्या करना है, एक 3 mm का इधर भी लाइन लेंगे, और ये एरिया, ठीक। इसके बाद आप लोग को इसको डायमेंशन देना है 3 mm, ठीक है, इधर भी 3 mm, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट से ये हो गया आप कितना, 8, ठीक, इधर भी 8 है मैम,
ठीक है। फिर इसको क्या करना है, अपने को सिंपल सा क्लोज करना होगा, इसको भी क्लोज करना होगा। अब क्लोज करने के बाद क्या है, अपने को इसका और इसका 175, ठीक, फिर इसका और इसका 175, ठीक है। सिंपल से यहाँ से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद एक्सेलरेट बॉस बेस, सबसे पहले अपने को क्या करना है, सरफेस, किस सरफेस तक जाना है, इस सरफेस तक, हो गया। ओके ओके होने के बाद अब आप देखोगे ये एक्स्ट्रा लाइन ऊपर में बच गया, तो सिंपल सा इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को स्केच नॉर्मल, ठीक। उसके बाद अपने को क्या करना है, सिंपल सा कन्वर्ट एंड डिटच करना है, किसको, इसको और इसको, इस लाइन को और इस लाइन को, ठीक। फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अपन यहां तक, और फिर एक लाइन ड्रॉ करेगा अपन ऐसे, ठीक, हो गया। फिर अपने को जो भी एक्स्ट्रा उसको ट्रिम करेंगे, यहां से जो बच गया उसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद यहां से निकलना है, और निकलने के बाद फीचर में जाना है, एक्सेलरेट कट करना है सीधा, इसको 3 को 50 कर दो, नहीं अप टू सरफेस कर देता है, सिंपल सा ना, अप टू सरफेस इस पॉइंट। लेकिन आप देखोगे ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को वापस से कट करके वापस से आपको फीचर में आना है। फीचर में आने के बाद सिंपल सा इसको नॉर्मल कीजिए। नॉर्मल करने के बाद क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर देना, इतना पे नीचे कर दो, फिर से आप एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद वापस से एक्सट्रूड कट जाओ, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सरफेस में आओ, सरफेस में आकर इसको सेलेक्ट करो, कट के रेडी हो गया। तो आप देखना भाई अपना गिटार कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना। तो ये अपना एक उसका मेन वो बन के तैयार हो गया गिटार का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है इसको पेनिट्रेट करता है, यहाँ से इसको कर देता है हम 150, ठीक, और इसको भी कर देता है सेम, ठीक ना, ये इस तरह से। उसके बाद अपना, हाँ अब अपने को क्या करना है, इस पे स्ट्रिंग लगाना है इस पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए वो करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे स्केच, ठीक। अब इसमें एक डालेंगे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक ना, उसको डालने के लिए पहले यहाँ से सीधा सिंपल सा आना अपने को। हाँ अब अपने को क्या करना है, इसके बाद एक लाइन सर्कल लेना है, सर्कल लेने के बाद इसको यहाँ सेलेक्ट करके डालना है, पहले इसका डायमीटर होगा, सॉरी 6 का हुआ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे होगा ये 6, ठीक। अब हमको ऐसा कितना चाहिए, क्योंकि गिटार में 6 स्ट्रिंग होता है तो 6 चाहिए, तो लीनियर पैटर्न करेंगे यहाँ से, और अपने को कितना चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, ठीक, सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इसमें जाना है, सेलेक्ट करना है 6, कितना पे चाहिए अपने को, 20 पे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 22 पे, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट में आ गया अपना, ओके करेंगे। यहाँ से सिंपल सा बाहर निकलना है, निकलने के बाद फिर फीचर में जाना है, एक्सेलरेट में जाके फिर ये जो लाइन है ना इसको करना है, कितना ब्लाइंड मार के कितना मारना है, 3, और 3 में मार दो, 4 में मार दो, ठीक, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इस लाइन इसको यहाँ से यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना 6 स्ट्रिंग होता है, तो 6 के लिए फिर से स्केच में आना है, ठीक। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल लेना होगा, एक सर्कल और एक सर्कल, इस साइड भी सेम, एक सर्कल, एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, ठीक ना। सबको हम क्या करेंगे, एक साथ में सेलेक्ट करके यहाँ पे इक्वल कर देंगे, मेक इक्वल, ठीक। अब अपने को क्या करना है, एक डायमेंशन डालेंगे तो सारा डायमेंशन डल जाएगा एक साथ में,
जैसे यहाँ पे हम 6 डालेंगे, देखो ऑटोमेटिक सारा 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको यहाँ से यहाँ का डायमेंशन डालना है कितना, 15, ये भी कितना होगा 15, ठीक, ये भी कितना होगा 15, ठीक ना। फिर यहाँ से ये भी कितना होगा 15, इसी तरह सारा को 15 15 पे वो कर देंगे 15, ठीक ना। और इस दोनों के बीच क्या गैप होगा आपको 50, और यहां से 50, ठीक। सेम इसमें भी होगा 50, ठीक ना। अब इतना होने के बाद सिंपल सा इसको बाहर निकलना है, इसे बाहर निकलने के बाद फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस 4 mm, ठीक हो गया। अब यहां से अपने को क्या करना है, फिर से हाँ फिर से अब अपने को इस पॉइंट पे देखना, आप एक वो होता है स्ट्रिंग टाइट करने के लिए होता है, तो पहले वो ड्रॉ कर देते हैं, स्केच में जाना है, ठीक, सर्कल, फिर इसको वही मेक इक्वल कर देंगे, ठीक। डायमेंशन डालना है इसको 10, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का गैप होगा अप्रोक्सीमेट आपको 8 mm। ठीक, अब इसको एग्जिट करके एक्सट्रूड कर देना यहां से कितना 10 mm, ठीक ना। सेम सेम काम इधर भी करना है अपने को, तो कुछ नहीं करना है, यहां से मिरर में जाओ राइट प्लेन सेलेक्ट करो आप, उसके बाद फीचर में जा, एक्सलरेट बॉस बेस हो गया इस साइड, आगे ना। अच्छा अब अपने को क्या करना है, ये जो फेस है आपके इसमें क्या करना है, अपने को फ्रेट डालना है, तो फ्रेट डालने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्केच पे जाना है, नॉर्मल सा स्केच नॉर्मल करेंगे, उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट एडिट्स करना है किसको, इसको इसको और इसको, ठीक। करने के बाद एक लाइन लेना है यहाँ से यहाँ, ठीक, और एक और लाइन लेंगे अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक ना। अब इसके बीच का डायमेंशन होगा कितना 2.5, ठीक। उसके बाद यहां से यहां का डायमेंशन होगा आपको 30, ठीक। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करेंगे, यहां से इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ठीक ना। एग्जिट करेंगे, इसको बाहर निकलना है, यहां से फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस में, सॉरी फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस में किसको, इसको, ठीक है। कितना है मैम, 2 mm। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाना है, स्मूथ बनाने के लिए फिलेट का यूज करेंगे, फिलेट ये रहा ये रहा 1 mm का फिलेट, ठीक है, कर दिए, थोड़ा सा ये स्मूथ हो गया। अब इसको क्या करना है, अपने को इस पूरे हैंडल पे चाहिए, मतलब पूरे फ्रेट में 20 20 चाहिए, तो सिंपल सा लीनियर पैटर्न में जाएंगे, डायरेक्शन में ये रहेगा अपना, उसके बाद जो फीचर है फीचर में इसको सिलेक्ट करके सिंपल सा ये एक्सट्रूड बॉस में इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, आ गया पूरे में। बट आप एक चीज देखोगे, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया यहाँ से, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच, ठीक, नॉर्मल नॉर्मल होने के बाद फिर अपने को क्या करना है, एक लाइन लेना है कहाँ से,
यहीं से लेना है, यहाँ से लेके कहाँ तक, जहाँ तक है ये, मान लो अपना को यहाँ तक, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा सिंपल सा ऐसे कर, इतना करके आगे, फिर आगे यहाँ तक लाके करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद निकला है बाहर, बाहर निकलने के बाद सिंपल सा फीचर में जाके एक्सक्लूड कट कर देना सीधा, कहाँ ब्लाइंड मार देना, यहाँ से ब्लाइंड मार के शो कर दो आप 5 mm तक, ठीक ना। देखो ये कट के हट गया, ठीक ना। तो इस तरह से गिटार का डिजाइन करते हैं। अब इसमें करना क्या, आप लोग को कुछ मटेरियल ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ जाना है, वुडन में आके वुड में आना है, आपको जैसा वुडन चाहिए, वुडन में वाटर टाइप का वुडन चाहिए, सॉरी वुडन में आके एस एस हो गया, बीच हो गया, आपको ब्रिज हो गया, चेरी हो गया, तो आपको जो चाहिए। अभी इसमें अपन क्या करते हैं, ये फिनिश वुडन जो है ये इस एरिया में इसको डाल देते हैं अपन, बराबर। उसके बाद अब ये वाला, ठीक है, इसमें अपन चलिए, ठीक। और उसके बाद जितना भी फिलेट है इसमें अपन ये डालते हैं, ठीक ना। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हैंडल, इसमें अपन डाल देता है ये वाला, ठीक। सिलेक्ट करते चलो और मटेरियल ऐड करते चलो इसमें, ठीक। ठीक ना, अपने को इस पर ऐड करना है सॉरी फिलेट, ये वाला पोर्शन, फिलेट दिस पोर्शन, ठीक है। और ये अपना क्या होगा, ये स्टील का होगा, तो इसके लिए मेटल होगा, तो मेटल के लिए स्टील में जाना है, पॉलिश स्टील मान लो ये चाहिए, तो इस पर पॉलिश स्टील ऐड कर देंगे। सेम चीज अपने को यहां भी चाहिए, ये भी अपने को स्टील का चाहिए, स्टील, ठीक। उसके बाद ये जो है ये भी अपने को, ठीक है, ये अपने को क्या चाहिए, आयरन चाहिए, मतलब कहाँ गया आयरन, जो भी चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आयरन ही डालो आप, ठीक है। तो ये इस तरह का गिटार बनकर आपके सामने ये रेडी है, इसमें है कुछ नहीं, बस करना है और सीखना है इसको, और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, इसका व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज करता है, और इसके बाद इसमें देखता है और क्या कर सकते हैं। ये इसका रियर व्यू में आप देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक ना। तो चलिए सीखिए, कीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ध्यान रखें, प्रैक्टिस कीजिए अपना, जय हिंद।